सुरेंद्रनगर दुधरेज वडवाड़ा मंदिर खाते वडवाड़ा देवना धामे आ वर्षे जन्माष्टमी महोत्सव कोरोना महामारी पगले मौकूफ राखवामां आव्यो। सुरेंद्रनगर ना दुधरेज वडवाड़ा गामे लोकोना हित ने ध्यान में राखी मंदिरे महोत्सव की उजवणी मौकूफ रखाय छे, जेमा जन्म महोत्सव और संतवाणी नहीं योजाय, परंतु भक्तों दर्शन माटे मंदिर खुल्लू रखाशे। भक्तों ने कोरोना नियम पालन साथ दर्शन करवा महंते अपील करी छे। देश विदेश में रहता अनेक भक्तों आस्था केन्द्र सामन अखिल भारतीय रबारी समाज धर्म गुरुगादी वडवाड़ा मंदिर दुधरेज धाम आवेलू छे। अहीं दर वर्षे जन्माष्टमी पर्वे कृष्ण जन्मोत्सव संतवाणी सहित धार्मिक कार्यक्रमों आयोजन कराता अनेक भक्तों घोड़ापुर उमटे छे। त्यारे गत वर्षे कोरोना काल होवाथी संक्रमण न फैलाय ते माटे उजवणी नोंधी कराई अने आ वर्षे पण भक्तोना स्वास्थ्यना हितने ध्यानमां ले जन्माष्टमी महोत्सव मौकूफ रखायो छे। आ अंगे महंत कनीरामदासजी बापू अने मुकुंदरामदासजी महाराजे जणाव्यू के मंदिरे उजववामां आवता कृष्ण जन्मोत्सव तेमज संतवाणी सांजे महाआरतीना दर्शन सहित कार्यक्रम मौकूफ रखाया छे। मंदिर परिसर फक्त भक्तोना दर्शन माटे सांजे 7 वाग्या सुधी ज खुल्लू राखवामां आवशे। आथी दर्शने आवता तमाम भक्तों ने कोरोना ने लगता तमाम नियमों नो पालन करवा अपील छे। वडवाड़ा मंदिर दुधरेज धाम द्वारा आ वर्षे जन्माष्टमी महोत्सव कोविड नो जीपन ज्यादा विस्तार में अमुक केसों बनता हुए छे, एटले सरकार श्रीना आदेश प्रमाण हाल पूरता तमाम धार्मिक कार्यक्रमों संतवाणी कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रमों बधाए बंद राखवामां आया छे। केवल में केवल खाली प्रभुना भगवान श्री वडवाड़ा देवना दर्शन थाय एना माटे जे सरकारे निर्देश आदेश जारी कर्यो छे खाली दर्शन चालू रहेशे। अने तमाम भक्तोने अने वाला वडवाड़ाना सैनिकोने जणावी छे के बधा ज अन्य पण सोशल मीडियाना माध्यमथी भगवान वडवाड़ा देवना दर्शन करो अने खोटूं सामाजिक अने आपणा तमाम समाजोमां कोरोनानी जरा महामारी चाली रही छे ए संक्रमण न फैलाय एना माटे अमे वडवाड़ा मंदिर दुधरेज धाम वती परम पूज्य महामंडलेश्वर कनेराम बापू अने सौ संतो वती अमे अपील करी छे के अत्यारे हाल पूरतुं खाली दर्शन माटे ज वडवाड़ा मंदिर खुल्लू छे अने भगवान कृष्ण परमात्मा द्वारकाधीश वडवाड़ा देव सारा समाज पर खूब खूब आशीर्वाद राखे अने एनी अमी दृष्टि आपणा उपर पड़ी रहे के जेथी करी જ્યારે ડૉક્ટરો અને બધા આપણને અત્યારે ચેતવણી આપી રહ્યા છે ત્રીજી લહેર આવી રહી છે, પણ આપણે ભગવાન વડવાડા દેવને પ્રાર્થના કરવી કે ત્રીજી લહેર હિન્દુસ્તાનમાં અને સમગ્ર વિશ્વમાં ન આવે એના માટે આપણે બધા જ સાવચેતીપૂર્વક જીવન જીવીશું તો ચોક્કસ ત્રીજી લહેર નહીં આવે। અને અત્યારના પૂરતા હાલ પૂરતા તમામ ધાર્મિક સામાજિક કાર્યક્રમો બધા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો બંધ રાખવામાં આવ્યા છે અને કેવલમાં કેવળ ખાલી દર્શન માટે વડવાડા મંદિર જન્માષ્ટમી નિમિત્તે ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું છે। रिपोर्टर यज्ञेश गोस्वामी सुरेंद्रनगर।